हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या हैं उनकी जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हुए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, और हम डेक यूज़ करेंगे ये वाला। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है। लेट्स सी, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स, टेम्परेंस। ऑलराइट, सो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि आप उनसे ऐसी जगह मिले हो, आप अपने पार्टनर से, कि उन्हों या तो वर्क प्लेस था या फिर आप वहाँ पर स्टडी करते थे या फिर किसी के फंक्शन के थ्रू, आई थिंक, ओके, बिकॉज यहाँ पर कार्ड मुझे यही बता रहे हैं, तो किसी फंक्शन में मिले या किसी अपने वर्क प्लेस पे मिले, या फिर आप जहाँ पर कोचिंग करते थे या फिर आपका कॉलेज स्कूल, वहाँ आप इनसे मिले हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने इनके साथ मिल के काम किया है कुछ ना कुछ, चाहे फिर वो आप कोई फंक्शन का ले लो या फिर आप ले लो कि आपने साथ में मिलके जॉब की है या पढ़ाई की है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। एंड मुझे ये लगता है कि वहाँ पर आप जब फर्स्ट टाइम मिले सो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील हुई, अचानक से एक अलग ही फीलिंग यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है एस ऑफ वॉन्ड के कार्ड के साथ। आप दोनों ने एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे से बात करके कुछ ऐसा फील किया जो कि आज तक आपने किसी और के साथ नहीं किया। एंड आई फील कि आप दोनों ने मिलके बहुत इन्जॉय किए अपनी लाइफ को, पहले एज अ फ्रेंड एंड उसके बाद में एज अ पार्टनर। एक मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग शायद एक साथ कहीं घूमने भी गए थे, ठीक है, एंड बट ये नज़र आता है कि आपने इन्जॉय बहुत किया है एक साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये लगता है कि कुछ लोग फिज़िकल भी हुए हैं, ठीक है, कुछ लोगों का फिज़िकल रिलेशनशिप रहा है, और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि आपने जब उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया तो कुछ कनेक्शन ऐसा बन गया कि एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ऐसा फील होने लगा था आपको। ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, हंसती खेलती लाइफ, इन्जॉयमेंट, सब कुछ, अट्रैक्शन, पैशन, सब कुछ है यहाँ पर। एक्चुअली एक अट्रैक्शन थी आप दोनों के बीच में जब आप मिले थे और जब आप दोनों की बातें बढ़ रही थी, एक दूसरे के साथ दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तब अट्रैक्शन थी। लेकिन आई फील कि धीरे धीरे करके जब आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया था, जब आप इनके साथ घूमने गए थे, या फिर आपने सबसे ज़्यादा इनके साथ जब टाइम स्पेंड करना शुरू किया था, इन्जॉय इनके साथ करना शुरू किया, सो आई फील तब आपको एक बॉन्ड फील हुआ, सोल कनेक्शन फील हुआ, और ऐसा फील होने लगा कि हाँ, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आई फील कि आप जो है पहले थोड़ा सा पीछे हटते रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके पार्टनर ने पहले बहुत कोशिश की है आगे से एंड आप पीछे हटते रहे हो बिकॉज आप कंफ्यूज थे या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से सब क्या हो गया। एंड आप उनकी बातों में भी आ रहे थे, आपको उनसे बातें करना भी अच्छा लग रहा था, उनकी बातें सुनना भी अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे करके जब आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया सो आपको खुद को नहीं फील हुआ, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनके साथ बन गया। ये मुझे यहाँ पर टेम्परेंस के कार्ड के साथ दिखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया, और आपने कभी सोचा नहीं था कि ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा, हम दोनों कुछ इस तरीके से मिलेंगे और इतने ज़्यादा एक दूसरे के लिए इमोशनल हो जाएंगे, ये नहीं सोचा था आपने। सो इन कार्ड से मुझे वही नज़र आता है। एंड लेट्स सी, अब देखते हैं आपके पार्टनर की अभी एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं और क्या कुछ कुछ सोच रहे हैं। लेट्स सी,
हायरोफेंट, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, जजमेंट. ऑलराइट, सो आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखता है, क्योंकि पहला ही यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड आया, उसे सबसे पहले देखो. आपके पार्टनर जो है ना सैजिटेरियस या फिर टॉरिस हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है. दरअसल आपके पार्टनर अभी मुझे लगता है आपके रिश्ते में फैमिली इश्यूज हैं, और आपके जो पार्टनर हैं अभी उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं. इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इस टाइम पे क्या करें क्या ना करें. एक मन में इनके, एक दिल में इनकी बात है कि इनको आपको पाना है या आपको पाना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों को छुपाते हैं. ठीक है, आपको कितना चाहते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं और आपको अपना बनाना चाहते हैं, ये बात ये आपसे छुपाते हैं या फिर ये क्लियरली बात बोलते ही नहीं हैं. उसके पीछे का रीज़न ये है ना बोलने का, क्योंकि इनके फैमिली इश्यूज़ है, या तो आपकी फैमिली इश्यूज़ है या इनकी फैमिली इश्यूज़ है, जिसकी वजह से किसी की भी तरफ से फैमिली इश्यूज़ हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा. और ये चीज़ ये आपको बताएं अभी कि ये आपको प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, आपको अपने साथ ज़िंदगी भर रखना चाहते हैं या फिर आपको पाना चाहते हैं. ये अगर कुछ भी बातें करते हैं, अगर ऐसी फीलिंग आपके सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी उम्मीदें जोड़ोगे, बहुत सारे सपने देखोगे, और अगर वो सपने पूरे ना हो पाए तो फिर क्या होगा. बस यही एक कारण है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो इसको, इस फीलिंग को, इस इमोशन को हिडन रखते हैं और ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करती है. अदरवाइज़ तो यहाँ पर दिखते हैं कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है. एक तरीके से यूनिवर्स की तरफ से मिला हुआ गिफ्ट, मिले हुए गिफ्ट की तरह ही आपको देखते हैं, जैसे कि इन्हें और बाकी चीज़ें मिली हैं अपनी लाइफ में, अबंडेंस, रिश्ते, वैसे ही एक फैमिली वाला फीलिंग आती है इनको, और कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी, जैसा चाहिए था इन्हें पार्टनर वैसे आप हो. एंड ये ईश्वर से बहुत प्रे करते हैं, ठीक है, एंड आई थिंक इन्होंने सारी चीज़ें सरेंडर की हैं, ख़ास तौर पर अपने दिल को यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर किया है कि मेरे दिल में जो इंसान है वो ये है, बाकी आपको जो करना है आप वो करो. सो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत सारी विशेस मांग रहे हैं आपको लेकर के, कि सरेंडर तो कर दिया और इनको नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये आपको मांगते ज़रूर हैं ईश्वर से, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है. ठीक है, सो आजकल प्रे वगैरह बहुत चल रही है और फीलिंग्स भी छुपाई जा रही हैं, ठीक है, खुल के कुछ नहीं बोल रहे हो, आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, और ये सब हो रहा है सिर्फ फैमिली की वजह से. अब फैमिली इशू आपकी तरफ से भी हो सकता है और आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है. ठीक है, फोर ऑफ कप्स, द स्टार, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, एक्चुअली आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचते हैं, सारे दिन भर सोचते रहते हैं, इनकी लाइफ में प्रपोजल्स भी बहुत आ रहे हैं, बट इनका ध्यान नहीं है, इनका इंटरेस्ट नहीं है उस पर, बिकॉज ये इनको आपके जैसा कोई मिला नहीं. आप इनसे मिले और आपकी एनर्जी इनको इतनी पॉजिटिव लगी या फिर अपनापन इतना महसूस हुआ आपके साथ कि आप विश बन गए इनकी कि मुझे चाहिए तो बस यही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है. सो कोई और भी आ जाए तो उसमें इनको इंटरेस्ट नहीं है. एक्चुअली आपके पार्टनर आपसे बहुत फ्लर्ट करना चाहते हैं, बहुत रोमांटिक बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन ये आप बातें इसलिए नहीं करते और दूर दूर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आई थिंक कुछ सवाल हैं आपके जो कि आप इनसे बार बार पूछते हो, मे बी जो मुझे लगता है कमिटमेंट को लेकर के या फिर इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के या फिर कोई और भी क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है, उन क्वेश्चंस के आंसर आपके पार्टनर के पास नहीं है, इसलिए आपके पार्टनर जो है भागते हैं. लेकिन इनको आपके से बात करनी है, बट ये आपसे बात करने भी आए तो आप वो क्वेश्चन पूछोगे, इसके डर के मारे ही ये बात करने के लिए नहीं आते हैं. ठीक है, बट ये दिखता है कि आपके पार्टनर जो हैं
बहुत सोचते हैं कि मुझे ये बात करनी है, ऐसे बात करनी है, और ये कहीं ना कहीं फ्लर्ट करना चाहते हैं आपसे, खुल के बातें करना चाहते हैं। एक कपल्स के बीच में जो रोमांटिक बातें होती है वो भी आपसे करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन बस डर है तो इस बात का कि कहीं आप वो क्वेश्चंस ना पूछ लो जो आप पास्ट में पूछ चुके हो और जिनके जवाब अभी तक आपको नहीं मिले हैं। ठीक है, एक्वेरियस ये हो सकते हैं कुंभ राशि से। लेट्स सी कुछ और कार्ड देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एक्चुअली आपके पार्टनर आपसे दूर होकर के उदास है, ये तो नहीं दिख रहा मुझे, बहुत खुश है, उदास लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। ठीक है, या आपसे दूर नहीं जाना चाहते, बट सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि इनको तब इनको लग रहा है कि ये जो टाइम है, ये जो सिचुएशन है, ये आपसे इनको दूर कर रहे हैं, लेकिन ये खुश नहीं है आपसे दूर जाते हुए। ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं, ये तो यहाँ पर क्लियर दिखता है, काफ़ी उदास है ये। इन्हें चाहिए आपका प्यार, इन्हें आप चाहिए, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है इन्हें बहुत, मतलब कि होते ही ना किसी इंसान की एनर्जी सीधे दिल पे, यू नो, हमको दिल में भाते कि हाँ ये इंसान की बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, राइट, हमें उससे बातें करना अच्छा लगता है, उसके साथ रहना अच्छा लगता है, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड ये आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, और स्टॉक करने पर उन्हें ये लग रहा है कि आप स्ट्रांगली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है कि यू नो एक्चुअली आपकी जो पार्टनर है ना, उन्हें पता है कि आप भी उदास हो एंड आप भी खुश नहीं हो इस सिचुएशन से, लेकिन उनको ये भी एक चीज़ लग रही है कि शायद अब आप आगे बढ़ गए हो, या फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि मैंने जो गलती की है उसके बाद में आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। जब भी आपको स्टॉक करते हैं, जब भी आपके बारे में जासूसी करवाते हैं या करते हैं, तो इनको यही मैसेज मिल रहा है उससे। आप ये जानना चाहते हो ना कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसका मेरे पार्टनर पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो यही इफ़ेक्ट हो रहा है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, यही वाइब्स जा रही हैं उन तक। और ये भी कि आप उदास हो, आप बदल गए हो, लेकिन अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डेथ, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस। एक्चुअली इनको लगता है कि अभी रिश्ते में एम्प्रेस, एक्चुअली इनको लगता है कि अब रिश्ते में कुछ नहीं बचा, अब शायद बहुत मुश्किल है सारी चीज़ें फिर से ठीक हो पाना, इनको ऐसा फील हो रहा है और बहुत परेशान है। एक्चुअली ये आजकल सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी, इनको नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा, और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं। आई थिंक कुछ स्पिरिचुअली ये कर रहे हैं अपनी हीलिंग वगैरह, या फिर ये जुड़े हैं हीलिंग वगैरह से, या फिर ये खुद ही शांत रहने की कोशिश करते हैं, अपने मन और दिमाग को शांत रखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर, पता है क्या है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है ना, आपकी जो सादगी है ना, इन्हें बहुत पसंद है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। दरअसल बात ये है, आंखें बंद करो तो आपका चेहरा नज़र आता है, आंखें खोलो तो आपका चेहरा नज़र आता है, इसलिए भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज़ इनको लग रहा है अभी की सिचुएशन देखिए कि चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हो गई हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि चीज़ें ख़राब हो, तो इनका दिल भी दुख रहा है, दुखी है ये, रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एंड शांत रखने की खुद को कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के किस रिश्ता ख़त्म हो गया, इसमें कोई सुधार नहीं आ सकता, इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स ना आए, इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपको एक हस्बैंड एक वाइफ की तरह ये डेफिनेटली देखते हैं, कि नो आप बहुत खूबसूरत लगते हो इन्हें सबसे पहली बात तो, एंड इनकी इमेजिनेशंस बहुत आगे तक जाती हैं, आपको एक माँ की तरह एक पिता की तरह भी देखते हैं, इनको लगता है कि आप जो है बहुत अच्छी मदर बनोगे, आप बहुत अच्छे फादर बनोगे। ठीक है, इनको ये भी लगता है, तो ये बहुत आगे तक की आपके साथ सोच रखा है, फ्यूचर की सोचते हैं आपके साथ,
एंड ये चाहते हैं कि आप इनकी वाइफ बनो, आप इनके हस्बैंड बनो, ये इनके दिल की ख्वाहिश है। और जब ये ख्वाहिश इनको टूटते हुए नज़र आती है तो इनका दिल बहुत दुखता है। और तब जब दिल दुखता है तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि इनको चैन नहीं पड़ता, इनको नींद भी नहीं आती है। अब इस तरीके के कि ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स ना आए, इसलिए ये खुद को शांत रखने की कोशिश करते हैं। और मे भी हो सकता है किसी से प्रेडिक्शन वगैरह भी ले रहे हो, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड अब मैं आपके लिए बाबा की तरफ से कुछ मैसेजेस देखूँगी। लाइफ पर्पस, सोल ग्रुप, डिटैचमेंट, धुनी। बाबा कह रहे हैं कि ये जो टाइम है ना आपका, ये आपके सोल पर्पस को फाइंड करने का टाइम है, ठीक है। आपको अपनी सोल फैमिली से मिलना है, आपको अपना सोल पर्पस फॉलो करना है, और इस चीज़ से जुड़ने के लिए, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस एंड सोल फैमिली से जुड़ने के लिए आपको ये जो डिटैचमेंट वाला सीन है ना, इसको फॉलो करना पड़ेगा। यू नो, आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा दूरियां बनाओगे तो आप जो है कुछ नया कर पाओगे, अदरवाइज़ आप उन्हीं के अंदर उलझे रह जाओगे। तो आई थिंक यूनिवर्स को ये लगता है कि आप लाइफ पर्पस नहीं पहचान पाओगे या फिर सोल फैमिली से नहीं मिल पाओगे। मिलोगे लेकिन देर हो जाएगी, टाइम पे, यू नो, एक होता है कि हम अगर सही रास्ते पे चल रहे तो हमें जल्दी वो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम रास्ता भटक जाएँ, मान लो कि हमें रास्ता कहीं पहुँचना है, अब उसका रास्ता अगर हमें सही पता है तो हम टाइम से पहुँचेंगे, और अगर भटक गए तो फिर डेफिनेटली हम लेट ही पहुँचेंगे, परेशान भी होंगे, राइट। सो वही है कि आपके पार्टनर जो हैं वही भटका हुआ रास्ता है कि आप जो है उनके साथ भटक जाते हो, बट जैसे ही आपके पार्टनर से आपकी थोड़ी सी दूरी बनती है तो आप सही ट्रैक पे आ जाते हो। तो यूनिवर्स इसीलिए चाहते हैं कि आप ये डिटैचमेंट वाला लो, जो अभी चाहे वो यूनिवर्स की तरफ से सिचुएशन हो रही है या फिर आपने खुद ने उनसे बात करनी बंद कर दी या फिर आपके पार्टनर ने बंद कर दी, उसको एक अच्छे टाइम की तरह लो, उसको ये समझो कि ये मेरी लाइफ में कुछ बदलाव के लिए आया है। और ये जो टाइम है ना, सच में आपकी लाइफ में बदलाव के लिए आया है। दरअसल क्या है कि इस टाइम में आप अकेले रहोगे तो आप बहुत सारी नई चीज़ें देखोगे। मैं ये कर लूँ, मेरा यहाँ कर लूँ, ये काम कर लूँगी तो मेरा मन लग जाएगा, ये कर लूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा। सो उससे धीरे धीरे क्या होगा कि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। सो बाबा भी यही चाहते हैं कि अभी जो भी हो रहा है इस सिचुएशन में, इसको कुछ भी मीन्स कि इसको ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो, जैसा चल रहा है वक्त के साथ वैसा चलने दो। तब तक अपनी टेंशन, अपना गुस्सा, अपने जेलस, सारी चीज़ों को धुनी में डालो और मस्त रहो अपनी लाइफ में। बस यूनिवर्स यही कह रहे हैं। और जब ये कह दिया कि धुनी में डालो सारी चीज़ें और खुश रहो, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो है जो कि यूनिवर्स की प्लानिंग है और कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो बस ये आपको काम करना है, इस टाइम का जो है सही यूज़ करना है। आपके पार्टनर वापस आएंगे डेफिनेटली, बिकॉज यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, ठीक है। बिना सोचे यूनिवर्स कुछ नहीं करते। सो बस इस टाइम को आपने बस इसी चीज़ में यूज़ करना है कि आप ये चीज़ देखो कि आपको क्या करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या करने से आपको खुशी मिलती है, कौन सा काम है ऐसा जिसको आप मन लगा के कर सकते हो, जिस काम को करने से ना आपको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है। एक्चुअली जब ऐसा कोई काम मिल जाए कि जिसके आगे कुछ ना दिखे, मीन्स कि वही आपका लाइफ पर्पस है, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।